अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्राउंड जेलेटर्स। व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत स्पेशल घर विजिट करवाने वाला हूँ। 7 मल्ले का ये खूबसूरत घर है, बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी। घर की लोकेशन है, सबसे जो स्पेशलिटी है घर की व्यूअर्स, घर के बिल्कुल सामने जो है आपको खूबसूरत जो है फैमिली पार्क मिल जाता है। बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है इसकी, बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी। 7 मल्ले का ये खूबसूरत घर है। 30-55 जो है इस प्लॉट की डायमेंशन है। 5 बेडरूम, एक प्रॉपर डबल यूनिट डिज़ाइनर हाउस है। व्यूअर्स, बात करते हैं घर की फ्रंट एलिवेशन की, जिसको 2-टोन कलर कॉम्बिनेशन में जो है लाइट कलर कॉम्बिनेशन में इसके फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। 5 बेडरूम, एक प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है ये। बाहर आप इसका देख सकते हैं, एक्सटर्नल लॉन एरिया आपको मिल जाता है खूबसूरती से, जिसको अमेरिकन ग्रास के साथ मेंटेन किया हुआ है। वंस अगेन आप देख सकते हैं ये फैमिली पार्क है घर के सामने, पार्क फेसिंग हाउस है ये, नियर टू मॉस पार्क्स एंड कमर्शियल। बहुत खूबसूरत ये एक्सेस है इसकी। बाहर आप देख सकते हैं स्लाइडिंग गेट है हमारे पास इसकी, जो टेरेस की मैचिंग फेंस के साथ जो है जिसको डिज़ाइन किया गया है इसके गेट को। फिर 5 बेडरूम, एक प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है ये। तो फिर बात करते हैं कार पोर्च की, अभी मैं कार पोर्च में एंटर हूँ तो राइट साइड पर जो है आपको स्पेस मिल जाती है वाटर टैंक एरिया, जो इसका वाटर टैंक है, वाटर मोटर भी आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड है। फिर लॉन्ड्री के लिए भी आपको स्पेस दी गई है। ये आप देखें, खूबसूरत मैट फिनिशिंग में टाइल का यूज़ किया गया फ्लोर पे। सीलिंग आप देख सकते हैं इसकी, इजीली 2 छोटी और 1 बड़ी गाड़ी की है, यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। क्या खूबसूरत जो है टाइल्स का यूज़ किया गया इसकी थीम वॉल पे। फिर यहाँ से जो है OTS दिया गया इसके किचन का और ऊपर वाले जो है रूम का वेंटिलेशन के लिए। ब्रास कॉम्बिनेशन में जो है इसको डिज़ाइन किया गया वॉल को। फिर राइट साइड पर जो है आप इसकी ये थीम वॉल देख सकते हैं। व्यूअर्स, एक्सेस की बात करूंगा तो हमें 2 एक्सेस मिल जाती हैं। एक्सट्रीम राइट साइड से हमें एक्सेस मिल जाती है इसके ड्राइंग रूम की, और सामने से एक्सेस मिल जाती है इसके ग्राउंड फ्लोर की। सॉलिड वुड में जो है इसके मेन डोर्स का डिज़ाइन किया गया है, बहुत खूबसूरत फिनिशिंग के साथ है। आप ये देख सकते हैं इसका वुड का डिज़ाइन। व्यूअर्स, 2 करोड़ और 35 लाख रुपये इस घर की आस्किंग प्राइस है। इस वीडियो को फुल देखना है आपने, बहुत खूबसूरत घर है ये। तो व्यूअर्स, एंटर होते साथ अगर मैं एक्सट्रीम लेफ्ट से बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास स्पेस है इसके फर्स्ट फ्लोर की। यहाँ से आप एंटर होंगे फर्स्ट फ्लोर में। फ्यूचर में व्यूअर्स, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेपरेशन करके एक पोर्शन को रेंट आउट भी कर सकते हैं। ये आप देखिए इसका जो पाउडर वॉशरूम की स्पेस है, प्रॉपर आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए पाउडर वॉशरूम में भी। यहाँ से एक्सेस है इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो व्यूअर्स, क्या खूबसूरत हमें टीवी लाउंज की स्पेस देखने को मिल जाती है। आपने बहुत से जो है जगहों पे क्लॉक टावर देखा होगा, लेकिन मैं आपको क्लॉक जो है थीम वॉल दिखा रहा हूँ आज इसके जो टीवी लाउंज की। ये आप देखें इसकी खूबसूरत मीडिया वॉल, जिसको टाइल के साथ डिज़ाइन किया गया। व्यूअर्स, टाइल है, वॉल पेपर नहीं है। नीचे आपको एक टीवी स्पेस मिल जाती है। क्या खूबसूरत वॉल है व्यूअर्स, आप देखें क्लॉक वॉल है ये इसकी, जो थीम वॉल को टीवी लॉन्च की डिज़ाइन किया गया है। एसी की जो कनेक्शन है ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। मैं आपको अगर इस कॉर्नर से दिखाऊँ तो आपको अंदाज़ा होगा क्या खूबसूरत टीवी लॉन्च की स्पेस है, ये आप देखें। उसके साथ व्यूअर्स, आपको मैं अगर यहाँ से इसको क्लोज कर दूँ तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि ड्राॅइंग रूम और टीवी लॉन्च जो सेपरेट होना चाहिए। आपको ग्लास कॉम्बिनेशन में वुड के साथ जो है इसकी सेपरेशन मिल जाती है, जो ड्राॅइंग रूम को और टीवी लॉन्च को एरिया सेपरेट कर रहा है ये डोर। ये देखें स्पेनिश वुड का जो है, स्पेनिश वुड में जो है टाइल्स का यूज़ किया गया है इसमें, जो इसके फ्लोर पे। फिर आप देखें इसको मोल्डिंग वर्क आपको नज़र आएगा यहाँ पे इसका ड्राइंग रूम में। बॉक्स स्टाइल में सीलिंग को डिज़ाइन किया गया है। सिक्योरिटी पैनल्स, सिक्योरिटी ग्रिल्स जो है इंस्टॉल्ड है। UPVC डबल गेज की जो आपको विंडोज मिल जाती हैं, साउंड प्रूफ। ये जो है सेकंड एक्सेस है इसके ड्राइंग रूम की, जो कारपोर्ट से है। हर आपको जो है सिक्योरिटी नाम मिलेगा हर मेन विंडो में, मेन डोर में। तो ये उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा घर आपको। अभी तक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, 7 मरले में इतनी खूबसूरत, इतनी एलिगेंट कंस्ट्रक्शन आपको कभी नहीं मिलेगी। तो व्यूअर्स, यहाँ से हमारे पास जो है एक्सेस, हमें 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं, सेपरेट हमें किचन मिल जाता है। पहले मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ। तो सेम जो है पैटर्न में टाइल्स का यूज़ किया गया है इसमें, ये आप देखें।
वेलवेट कुशनिंग में जो है इसकी थीम बॉल को डिज़ाइन किया गया ब्रास कॉम्बिनेशन में। आप देख सकते हैं इस पर अभी जो है ये शॉपर चढ़ा हुआ है ताकि ये मट्टी से जो है ख़राब ना हो। यहाँ से एक्सेस है इसकी जो हमारे पास स्पेस है लॉन्ड्री के लिए। ये आप देख सकते हैं इसका वॉशरूम, आपको रेन शावर मिल जाता है इस छोटे से वॉशरूम में। सेकेंड बेडरूम में आपको दिखाता हूँ, सेम पैटर्न में टाइल्स को फॉलो किया गया व्यूअर्स। सामने थीम वॉल देखें क्या ज़बरदस्त स्ट्राइप्स में इसको स्ट्रेट लाइंस में डिज़ाइन किया गया। सीलिंग आप देख सकते हैं आपको स्टेप लाइट का यूज़ मिल जाता है इसके एजेस पे। वार्डरोब की स्पेस देखें इसको ग्लास कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन किया गया है व्यूअर्स। ये बहुत स्पेशल इसका वॉशरूम की स्पेस है। आप देखें मैट फिनिशिंग में टाइल्स का यूज़ किया गया है, कंसील्ड आपको सीट्स मिल जाती हैं, शॉवर एरिया जो है सेपरेट है इसका। फिर ये वैनिटी सेटअप चेक करें क्या खूबसूरत स्टोन वर्क में इसको डिज़ाइन किया गया कोरियन में। फिर आप इसके डेकोरेशन पीसेस जो है आपको ये सोप स्टैंड मिल जाता है, फिर शैम्पू बॉटल मिल जाती है इसके साथ, आपको वो कप मिल जाता है आपको टूथपेस्ट वगैरह रखने के लिए। और यहाँ से भी एक्सेस है इसकी बाहर बैक गैलरी एरिया की अगर आप लॉन्ड्री की स्पेस यूज़ करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स इसका सेकंड बेडरूम था। मोस्ट स्पेशल पार्ट है जो मेरा फेवरेट पार्ट है इस घर का जो इसका किचन है। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि 5-7 बल्ले में जो किचन एरिया है वो सेपरेट होना चाहिए, तो आप इसका सेपरेट किचन देखें क्या खूबसूरत व्यूअर्स किचन है ये। मैट कॉम्बिनेशन में जो है कंपनी फिटिंग में जो है इसको डिज़ाइन किया गया, आपको ओवन की स्पेस माइक्रोवेव की स्पेस मिल जाती है, फिर उसका ऑटोमेटिक स्टोव एरिया मिल जाता है, फिर सेंसर हुड लगा हुआ है ऊपर वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे आपको लॉन्ड्री के लिए स्पेस मिल जाता है, आपको यूनिट मिल जाता है लॉन्ड्री यूनिट। फिर यहाँ पर जो है आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है, प्रॉपर स्पेस दी गई है। यहाँ पर आप अपनी डबल डोर फ्रिज अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये जहन में खूबसूरत किचन 7 मरले घर में बल्कि 10 मरले के घर में जो है इस तरह का किचन आपको देखने को मिलता है। क्या स्पेस को यूटिलाइज किया गया और क्या खूबसूरत ये किचन है। तो व्यूज उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा सर का ग्राउंड फ्लोर। अब मैं मूव करता हूँ उसकी टुवर्ड्स दी फर्स्ट फ्लोर। वंस अगेन अगर आप यहाँ से इसको सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर सेपरेट करके यहाँ पर डोर देख के आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू अ प्रॉपर डबल यूनिट हाउस। ये था इसका ग्राउंड फ्लोर। अब भरते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये आप देखें इसको क्या मेटल बार्स में जो है इसको डिज़ाइन किया गया इसके स्टेयर लॉबी एरिया को। व्यूअर्स एंटर होते साथ ही आपको टीवी लॉन्च की स्पेस मिल जाती है। ये आप देखें खूबसूरत आपको प्लांटर्स मिल जाते हैं। फिर क्या खूबसूरत घर है ये, मैं आपको करीब से कर दिखाऊं। टाइल्स में जो है इसके मीडिया वॉल का डिज़ाइन किया गया है, 3D वॉलपेपर मिल जाता है आपको सामने। व्यूअर्स ये स्पेस है इसके टीवी लाउंज की फर्स्ट फ्लोर। आप सिर्फ व्यू चेक करेंगे जब सुबह आप यहाँ से सो के उठेंगे तो बाहर देखेंगे आपको कैसा ज़बरदस्त व्यू मिलेगा पार्क फेस। और व्यूअर्स बिल्कुल सामने घर के सिक्योरिटी पैनल है बैरिया का, आपको 24/7 सिक्योरिटी मिलती है। टेरेस की स्पेस अच्छा, UPVC का मटेरियल यूज़ किया गया इसके डोर्स पे विंडोज़ पे, वन ऑफ द फाइनेस्ट मटेरियल होता है ये, पानी से ख़राब नहीं होता और सबसे अच्छी बात साउंड प्रूफ होता है, बाहर का शोर अंदर नहीं आएगा। अभी शायद आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दरवाज़े विंडोज़ खुली हुई हैं। वॉक इन क्लोजेट मिल जाती है आपको इस बेडरूम में। ये चेक करें क्या शशके वाला वॉशरूम है, शॉवर एरिया जो इसका सेपरेट है।
बाकी व्यूअर्स, दो बेडरूम्स हैं हमारे पास, सेम एज ग्राउंड फ्लोर ओपन, इसका जो क्लोज किचन है ये बेडरूम नंबर इसका 2 है। ये आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो मिल जाती है इसकी। व्यूअर्स अगर मेरे साथ पूछेंगे तो ये मेरा फेवरेट घर है, साथ मतलब कि मैंने जितने भी घर देखे हैं, डिज़ाइनर भी और बिल्कुल एक ज़बरदस्त मैप पे बना हुआ है, प्रॉपर डबल यूनिट 5 बेडरूम हाउस। क्या खूबसूरत टाइल सिलेक्शन हुई हुई है घर में, एक्सेसरीज इंपोर्टेड लगी हुई है, पोर्टा की वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है एक्सेसरीज यूज हुई हुई है इसमें, वॉशरूम्स में आप देख सकते हैं। फिर आपको ये थर्ड बेडरूम दिखाता हूँ इसका, ये आप देखें क्या खूबसूरत आपको मोल्डिंग वर्क मिल जाता है, हर बेडरूम में आपको थीम वॉल मिल जाती है एक, ये देखें ज़बरदस्त साइज है बेडरूम का। फिर वार्डरोब की स्पेस आप चेक करें, ड्रेसिंग की स्पेस मिल गई आपको यहाँ पे, आप देखें एक ज़बरदस्त स्पेस है ड्रेसिंग के लिए। फिर ये चेक करें इस वॉशरूम में आपको शावर सेट मिल जाता है। तो फिर जहन है खूबसूरत घर, इस घर की जो आस्किंग प्राइस है डिमांड है वो है 3 करोड़ 35 लाख रुपए, इसमें नेगोशिएशन हो जाएगी। अभी मैं आपको इसका किचन विजिट कराता हूँ जो बहुत स्पेशल पार्ट है इसका, फर्स्ट फ्लोर का आपको वन सेकेंड क्लोज किचन मिल जाता है, ये एल शेप में आपको मिलेगा किचन इसका, ये चेक करें। प्रॉपर स्पेस दी गई है डबल डोर फ्रीजर के लिए, आपने आप डीप फ्रीजर रखें, बड़ा फ्रीजर रखें अपने आप, वेंटिलेशन के लिए हुड है, स्टोव एरिया है, सामने वॉश बेसिन है, पीछे विंडो है, ऊपर एग्जॉस्ट फैन है, बहुत व्यूअर्स खूबसूरत घर आई है। तो व्यूअर्स ये था इसका फर्स्ट फ्लोर। अब जो सबसे एक मेजर पार्ट है घर का रूफ टॉप, मैं आपको वो दिखाता हूँ, बेजा टाउन फेज 8 रावलपिंडी इसकी लोकेशन है, पार्क फेसिंग ये घर है, नियर टू मॉस पार्क्स एंड कमर्शियल्स, हाइटेड लोकेशन है, मैं आपको यहां से अगर दिखाऊं, वाटर टैंक एरिया इसका, हाइट देखें, पीछे कमर्शियल देखें, एसी के कनेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं यहां पे, ये सारे एसी के कनेक्शन हैं, आपको ये स्टूल एरिया मिल जाता है बैठने के लिए, सामने देखें क्या जबरदस्त व्यू है घर का। तो ये जहन है खूबसूरत घर, आपको 7 क्वार्टर मिल जाता है, स्टोर मिल जाता है अटैच वॉशरूम के साथ रूफ टॉप पे। तो व्यूअर्स वंस अगेन 3 करोड़ 35 लाख रुपये घर की आस्किंग प्राइस है, 3.35, इसमें नेगोशिएशन हो जाएगी, फाइनल प्राइस नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको गाइड करेंगे, घर विजिट करवाएंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड गाइड करेंगे। 3.35 इज दी आस्किंग प्राइस ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी। तो उम्मीद करता हूँ घर आपको पसंद आया होगा, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।